तो ऑरलैंडो क्या हाल है भाई। तो वेलकम द बैक टू माय यूट्यूब वीडियो विच इज़ एक्सक्लूसिवली फाउंड ऑन दिस यूट्यूब चैनल। तो भाई तुम लोगों ने मेरे को ना भाई गलती सीन कर दिया भाई, पकड़ पकड़ के हर जगह से भाई मेरे को बोला भाई व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, कमेंट सेक्शन में भाई, कॉल करके भी बोला भाई लोगों ने भाई हमको चाहिए वीडियो में वॉइस, वरना हम कर रहे हैं अनसब्सक्राइब। तो भाई यहाँ पर हमने वॉइस डाली वीडियो में और हम यहाँ पर आ गए हैं। और जो ये जो गेम प्ले है वो है द सोलो द वर्सेस द स्क्वाड। तो मतलब भाई हम अकेले हैं और सामने होंगे चार चार बंदे मैक्सिमम, और मिनिमम तो एक ही होगा एज यूजुअल। तो हम यहाँ पर लूटते हैं। और भाई ये जो वॉइस ओवर मैं कर रहा हूँ ना वो भाई, वो कैसा लगा तुम कमेंट सेक्शन में बता देना भाई प्लीज़। अब तो सपोर्ट कर दो भाई, पिछले गेम प्ले में भी सपोर्ट कर रहे हो लेकिन भाई इसमें कहना होना चाहिए भाई वॉइस आ गया है अब। तो भाई हम यहाँ पर लूट करते हैं। तो भाई अब नोवो में पता है क्या सीन क्या है, मैं नोवो उतरा ये सोच के कि भाई यहाँ पर ना मेरे को ना मिल जाएंगे बंदे, यहाँ पर हो जाएगी फाइट और धैड़ पैड़ मिलेंगे किल। लेकिन भाई पता है क्या, यहाँ पर कोई उतरा ही भाई, यही सीन होते हैं भाई। मतलब यार हॉट ड्रॉप पे या तो भाई कूद जाएंगे कम से कम 6-7 स्क्वाड हैं, मतलब भाई कैसे पेटी धैड़ पैड़ बन जाएगी ना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा भाई। तुम आँखें झपकाओगे तुम्हारी पेटी बनी हुई तुमको सामने दिखेगी और सीधा लॉबी में। और कभी कभार ये होता है कि भाई एक बंदा नहीं उतरता भाई यहाँ पर। भाई ये तो प्लेन पाथ में भी था, मेरे को ये नहीं पता भाई उतरा क्यों नहीं भाई। पबजी वाले गलत ही न से भाई, पबजी वाले छोड़ो यार, पबजी प्लेयर्स की अपनी सोच, इट्स देयर चॉइस कि भाई कौन कहाँ उतरे। तो भाई यहाँ पर एक बॉट भी नहीं दिखता मेरे को। तो भाई मैं सोचता हूँ कि भाई अब जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। यहाँ पर मेरे को काफ़ी गुस्सा इस बात का भी आता है कि भाई नोवो एक तो पहले होता नहीं है जोन में, और ये अभी जोन में भी है और यहाँ पर होती है फ्लेयर बनने की चांस। तो यहाँ पर मैं लूटना चाहता था लेकिन भाई लूट नहीं सकता। यहाँ पर एक्चुअली जो होता है यहाँ पर बंदे मार के फ्लेयर मिलती है, अकेले अकेले तो भाई पूरा नोवो लूटा नहीं जा सकता। तो फिर भाई हम यहाँ पर फटाफट गन लूटते हैं भाई। अभी तक मेरे को एक टैप टैप वाली गन मिली और एक AK मिली है जो काफ़ी OP होती है ज़िंदगी में भाई। मतलब दो बुलेट हेड पर लगा दो भाई बंदा सामने वाला नॉक, तो भाई मैं यही प्रेफर करता हूँ। और मैं जॉल्टर हूँ तो मैं चलाता हूँ AKM प्लस M4 और या तो ऑग ले लेता हूँ या तो स्कारल, मतलब बेस्ट तो M4 ही है एक्चुअली। तो फिर हम यहाँ पर थोड़ा लूट पाट करते हैं भाई। AKM मिल चुकी है और बाकी गनों के लिए लूट पाट जा रही है, नेड वगैरह उठा रही है भाई, बम्बाजी में काम आ जाएंगे। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ से जा रहा होता हूँ और भाई यहाँ पर अभी भी गन नहीं मिली मेरे को। और यहाँ पर भाई वैसा सीन है कि भाई अब बंदे आ जाए ना, मतलब वो वाले जो बंदे नहीं होते कि भाई कहते हैं कि भाई पहले यहाँ से ना गाड़ी पकड़ते हैं फिर यहाँ से चलेंगे इस वाले हॉट ड्रॉप पे, वो वाले बंदे भी आ जाएंगे ना तो यहाँ पर भाई बैंड टेप बन जाएगी, क्योंकि भाई दो ऑटो गन तो चाहिए। तो भाई जैसे मैं यहाँ पर थोड़े ही लूट में व्यस्त होता हूँ भाई सामने से आता है फायर, तो भाई सीधा इन बॉट को मारने पहुंच जाते हैं भाई। बॉट मत दो कहा करो भाई इनको, भाई इनको कहा करो भगवान भाई, फ्री में किल देते हैं, फ्री में मैट देते हैं, फ्री में लूट देते हैं और भाई तुमको कुछ कहते नहीं, थोड़ा बहुत डैमेज देते हैं भाई, तुम क्या चाहते हो भाई। बाकी बंदे तो भाई शैतान होते हैं भाई, धैड़ पैड़ पेटी बना देते हैं भाई, भाई ये होते हैं असली मतलब भगवान टाइप भाई की, भाई इज्जत करा करो जरा सी भाई। मैं देखता हूँ भाई अत्याचार होते हैं इन पे भाई, लोग करते हैं इन पर अत्याचार। और फटाफट इन दोनों घर को लूट के भाई अब मेरी होती है प्लानिंग निकलने की भाई, कम से कम 70 से कम बंदे बचे हैं। यहाँ पर मैं बैरल छोड़ देता हूँ क्योंकि इट्स माय चॉइस। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा 7.5 का एमो ले रखा है जेब में ताकि भाई आगे स्प्रे देने के लिए भाई चाहिए ही चाहिए, दोनों AKM तो चलाने नहीं वाला मैं। तो फटाफट यहाँ से बाइक पकड़ते हैं और आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर चली होती है फ्लेयर वगैरह, तो भाई इन्होंने चलाई है लूटेंगे हम। तो मैं आगे जाता हूँ यहाँ पर ऑफिस पे देखने भाई क्या सीन है, क्यों है, किस लिए है। तो भाई मैं आगे देखता हूँ, आगे शायद से बंदे होंगे, पूरा रेडी होता हूँ मैं। लेकिन भाई यहाँ पर मेरे को एक बंदा भगता हुआ दिखता है, फिर उसके दिखते मेरे को दूसरा बंदा दिख जाता है भाई, ये 100 RP वाला, तो 100 RP नहीं सॉरी मतलब RP वाला। तो भाई ये भाई क्या ही कर रहा था भाई, मेरे को टुकुर टुकुर देख रहा था भाई, इसने फायर भी नहीं दिया भाई, भाई गजब ही नशे करके भाई खेलते हैं लोग। मतलब भाई गलती चौड़ होगी भाई, मैं भाई बोल रहा होगा भाई मैं हाफ HP पे मारूंगा, मेरे पास महंगी गन है, मतलब कुछ तो ऐसा सीन होना चाहिए भाई, टॉप लूट के आ रहा था भाई। तो फिर भाई इसका दूसरा बंदा सी बिल्डिंग से आ रहा होता है, मैंने देख लिया था उसको, तो भाई उसको भी रास्ते में ही पकड़ लेते हैं भाई। DP चलाने की फुल कोशिश होती है लेकिन भाई जिसकी बेटी बननी होती है भाई उसकी तो बन के रहती है। तो यहाँ पर हम लूटते हैं क्योंकि मेरे को पता था इनमें महंगी गन है और यहाँ पर मेरे को महंगी वाली गन मिलती है, एक ऑग मिलती है, अब इसी से काम चलाएंगे थोड़ा आगे तक। तो भाई ये ऑग पकड़ते हैं और भाई इसका दूसरा बंदा ढूंढता हूँ मैं, मेरे को नहीं मिलता भाई, पता नहीं कहाँ खिसक खिसक कर चला गया भाई रेंगते रेंगते। तो उसको मैं थोड़ा ढूंढने में यहाँ पर टाइम वेस्ट करता हूँ
और भाई उसको ढूंढते ढूंढते मैं पता नहीं कहाँ ही चला जाता हूँ भाई। यहाँ पर मतलब भाई ऐसी फाइट हुई ना, यहाँ पर M4 पड़ी हुई है भाई बीच सड़क पे, भाई इज्जत नहीं है बिल्कुल। तो फिर अब आगे आते हैं भाई, मैं कहता हूँ भाई उधर ही होगा बंदा, इधर तो हो नहीं सकता। फिलहाल मैं बूस्ट वगैरह लगाता हूँ बिकॉज भाई यहाँ पर चांस नहीं ले सकते। 00 HP से बंदे मार देते हैं भाई, मतलब 00 HP से बच जाते हैं बंदे, तो भाई यहाँ पर कोई चांस नहीं। और यहाँ पर मेरे को चमकती भी दिख जाती पेटी, तो मैं उछलता उछलता आता हूँ इधर, और भाई मिलती है 4X में। मेरे को पता था कि भाई स्कोप तो मिलने वाला है यहाँ पर, क्योंकि भाई मिलिट्री वेस में स्कोप ना मिले ऐसे भाई पबजी वाले इतने भी नशे नहीं कर रहे। हाँ करते हैं लेकिन भाई इतने भी नहीं। और मैंने MK नहीं उठाई क्योंकि भाई मैं स्प्रे देना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, बिकॉज भाई ठुक ठुक चलाने से बढ़िया यही है भाई, ज़्यादा बंदे होते हैं एनिमीज तो भाई यही सही है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, 3 ही किल हैं और बंदे भी कम अलाइव हैं, तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो मैं जा रहा हूँ वो तो पोचिंग की में एक्चुअली जोन में होता है, लेकिन जाते जाते मेरे को पता चलता है कि भाई जोन कहीं और ही बन गया है। लेकिन फिर यहाँ पर मेरे को सामने बंदे स्पॉट होते हैं, शायद से आपको दिख गए हूँ। मैं यहाँ पर गाड़ी छोड़ता हूँ और उनको भी शायद से मैं स्पॉट हो गया होता हूँ, तो भाई मेरा इरादा होता है उनको स्प्रे मारने का ऑक का, भाई मेरे हाथ में हो रही होती है बहुत गलत खुजली। तो मैं आता हूँ यहाँ पर और भाई थोड़ा लंबा सा रोटेशन मारते हैं और यहाँ पर थोड़ा कवर ववर ढूंढते हैं भाई, रिज वगैरह हल्का सा, और उन बंदों को भी स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ। मेरे को अभी दिखता नहीं है, फिर जैसे ही यहाँ पर मैं कवर में आता हूँ मेरे को एक बंदा दिख जाता है, हल्की सी झलक दिखती है। फिर जैसे ही मैं स्कोप खोलता हूँ वैसे घास सामने आ जाती है, तो फिर मैं हल्का सा साइड होता हूँ और भाई इस बंदे को पकड़ते हैं जल्दी से। भाई ये पता नहीं शायद से मेरे को देख रहा था, तो भाई अब मेरे को पता होता है कि भाई इसका टीममेट भी है क्योंकि ये हुआ है नॉक। तो पहले तो इसे करते हैं फटाफट से किल, बिकॉज भाई ये नॉक रिवाइव वगैरह हो जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगी। तो भाई लेट के स्प्रे देते हैं भाई खड़े होके, तो भाई जाहिर हो भाई अभी इतने प्रो नहीं हुए हैं। तो भाई 4 किल हो जाते हैं यहाँ पर और फटाफट से ढूंढते हैं और बंदे इसके। यहाँ पर मैं स्मोक कर देता हूँ बिकॉज भाई कहीं से भी फायर आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्मोक कर दिया था। और भाई इसके बंदे की अभी तक तलाश कर रहा हूँ मैं, थोड़ा अपने आप को वेट कर रहा हूँ कि भाई वो कहीं ना कहीं से फायर करे और AKM से मैं फटाफट पेटी बना दूँ उसकी, लेकिन भाई कहीं नहीं दिखता। कवर लेता हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन भाई मैं अब भाई हार चुका हूँ, अब मैं जाता हूँ गाड़ी पकड़ने। और भाई गाड़ी भी जो है वो मैंने मार्क नहीं मतलब छोड़ रखी है 200 मील दूर। तो भाई लंबा सा रोटेशन मार के दोबारा से जाएंगे, भाई लंबा सा रोटेशन मार के आए थे अब वही करना पड़ेगा दोबारा। भाई मतलब जितना टाइम भाई इनको मारने में नहीं लगा, इनसे निपटने में भाई, उससे ज़्यादा टाइम तो भाई रोटेशन मारने में लग गया। वो रही हमारी गाड़ी, तो मैं फटाफट से उछलता जाता हूँ, फिर से उधर देखता हूँ भाई कुछ हलचल दे बंदा, कुछ करने की कोशिश करे। लेकिन भाई फिर मेरे को पता चलता है इधर एक ही बंदा है, ये मेरे को बाद में पता चलता है, लेकिन अभी मेरे को पता नहीं होता एट द गेम टाइम, क्योंकि भाई इधर तो भाई गलत ही सीन, भाई नागिन बनने रखे होते हैं लोग, जहरीले बोले बिल्कुल भाई, बिल्कुल 10 स्टेप लेते हैं भाई, छोड़ते भी नहीं भाई, सीधा पेटी बनाते हैं। मतलब भाई लेटे हुए बंदे जो होते हैं ना वो सीधा मतलब ऐसे पूरा नॉक करते हैं, फिर सामने ही होता हूँ नॉक पड़ा हुआ तो सीधा भाई सीधा फिनिश भाई बेरहमी से, वो उनको नहीं फर्क पड़ता भाई, उनको कोई मार दे स्पॉट कर ले भाई, सीधा फिनिश करना ज़रूरी होता है। तो भाई इनकी बेटी ढूंढते हैं भाई की, तो भाई ये टिमटिमाती हुई लाइट जलती है। तो भाई यहाँ पर पहले मैं स्मोक करता हूँ क्योंकि मेरे को तब लग रहा था कि या भाई यहाँ पर बंदा आसपास हो सकता है, और नहीं भी हुआ तो भाई कोई और स्नाइपिंग वगैरह कर दे तो गलत सीन हो जाएंगे। तो यहाँ पर हेलमेट वगैरह उठाते हैं, हेलमेट थी ना था ना वो, हाँ हेलमेट ही होगा इसको नहीं मालूम। तो यहाँ पर मैंने M4 उठा ली भाई दोबारा से, क्योंकि भाई इसका डैमेज एक्चुअली ज़्यादा होता है, और मेरे को याद आता है कि मैं दूसरे अकाउंट से खेल रहा हूँ तो इस पर ग्लेशियर पड़ी हुई है, तो भाई थोड़ा चमकाने में भी मज़ा आएगा। तो भाई अब यहाँ से डासिया पकड़ते हैं और सीधा निकलते हैं बंदों की खोज में। भाई 4 ही किले क्या कर रहा हूँ मैं, तो भाई 25 बंदे लाइव और ढूंढने निकलते हैं भाई। तो यहाँ पर मेरे को ना भाई गाड़ी जाती भी दिख जाती है, तो भाई मैं थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस ही बना के ना यहाँ तक आ जाता हूँ पीछा करते करते, और मेरे को पता नहीं होता भाई बंदा कहाँ है। तो मैं एक्चुअली यहाँ पर ना पहले शैक पे रोकता हूँ, एक बढ़िया सा कवर लगाता हूँ पहले मैं, मैंने अभी रैंडमली ठोक दी थी, वरना भाई गाड़ी से पहले कवर बनाएंगे लंबा सा। फिर भाई मैं इधर आता हूँ देखने की भाई बंदे हैं कहाँ, फिर मैं आगे सामने ध्यान मेरा होता है, लेकिन भाई साइड से मेरे को भाई बंदे मारने की कोशिश करते हैं फटाफट से गन पकड़ के। भाई हमारे सामने स्प्रे कौन दे सकता है भाई, ओ भाई स्प्रे दे रहा भाई, भाई लेट जाओ भाई, इसने नागिन बना दिया भाई मेरे को बहुत गुस्से में बंदा, भाई गलत ही भाई, मैंने बोला था ना 10-10 SP से बचते हैं, देख लो भाई इसी गेम में। तो मैं यहाँ पर मेडकिट लगाने की कोशिश करता हूँ फुल वाली, लेकिन भाई यहाँ नहीं लगाऊंगा, गलती से भी नेड़ वेड़ आ गया, सीधा लॉबी जाऊंगा मैं, यहाँ से सीधा लॉबी की टिकट कटेगी। तो मैं यहाँ पर आता हूँ थोड़ी मेडकिट लगाता हूँ, वो भी रिवाइव कर रहा है, मैं भी मेडकिट लगा रहा हूँ, दोनों भाई सौदा का मंजूर है भाई, दोनों को, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। तो भाई ने स्मोक वमोक कर रखे हैं,
तो भाई मेरे को पता था ये तो मेरे को देख नहीं पाएंगे एक्चुअली, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और एक बंदा मेरे को स्पॉट होता है, तो भाई इसको एक एम से फटाफट से पकड़ लेते हैं भाई, इसको दोबारा नॉक कर देते हैं दोबारा, या पता नहीं पहली बार नॉक करते हैं जो भी करते हैं भाई। फिर मेरे को नॉक को करना होता है फिनिश बहुत जोर से, तो भाई मैं यहाँ कर देता हूँ नेड पीक करके, बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल नेड करता हूँ, लेकिन भाई ये नेड फटता नहीं है, मतलब फटता तो है लेकिन भाई बंदे को लेकिन नहीं फटता। तो मैं भाई इससे सीख लेता हूँ, थोड़ा ऊपर एंगल बना के एकदम दूर नेड फेंकता हूँ और इसका इंतज़ार करता हूँ, तो भाई इसका भी फ़ायदा नहीं होता, तो भाई मेरी सटक जाती है और मैं सीधा भाई एक एम लेके घुस जाता हूँ। फिर मेरे को रियलाइज़ होता है कि भाई वो ओपन में है, सांप सूप बन गए होंगे भाई, मेरे को पकड़ लेंगे आँख बंद करते ही। तो मैं फटाफट से पहले इस घर में आ जाता हूँ कि भाई थोड़ा सा ना कवर हो जाएगा मेरे पास तो ना अच्छा रहेगा, और एक मैं सोचता हूँ कि भाई ऊपर चलते हैं, थोड़ा हाई ग्राउंड होगा, मे भी वो मेरे को ऊपर मारने गए होंगे जहाँ पर मैं शैक में पहले गाड़ी ठोक रखी है मैंने। तो फिर मैं यहाँ आता हूँ तो फिर मेरे को अलग ही खबर पता चलती है, भाई सामने वाले घर में बंदे आ चुके हैं भाई, उनका भी दिमाग चल गया है। तो भाई अभी उनको ये नहीं पता कि मैं इस वाले घर में हूँ, तो मेरे पास अभी भी एडवांटेज है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा देखता हूँ एंगल वेंगल बना के। तो फिर मैं सोचता हूँ कि भाई पीछे वाले घर से जाऊँ, फिर मैं सोचता हूँ कि भाई एकेएम से ही फायर देना, रहने दो यहीं पर रहो। तो भाई मेरे को एक बंदा दिखता है, तो फिर यहाँ पर मैंने उसको दिखते ही पोस्ट फायर देता हूँ भाई, मतलब फायर करने के बाद भी मैं थोड़ी देर फायर करता हूँ कि भाई पीक ले, और जैसे ही पीक लेता है वैसे ही फायर बंद कर देता हूँ भाई, मेरे भी अलग ही नशे। तो भाई अब वो वही करता है जो हर बंदे को करना चाहिए सिचुएशन में, भाई नेड़ वेड़ करते हैं, तो भाई मेरा स्कोप अलग ही सीन हो जाता है, कभी खुल रहा है कभी बंद हो रहा है, पीक वाला बटन भी भाई 1.5 साल बाद रिस्पॉन्स देता है मेरा, आई नो नहीं मतलब आई गेस आपका भी देता होगा। तो भाई लोगों ने बमबाजी चालू कर दी है बहुत ज़ोर से, भाई बमबाजी फेंकी जा रहे हैं, भाई 3-4 नेड फेंक चुके हैं ऊपर, तो भाई मैं कहता हूँ भाई ऐसे तो सीन बनेगा नहीं, हम भी फेंकेंगे नेड़ वेड़ है नहीं, तो भाई मिट्टी की तेल की बोतल फेंक देते हैं जिसके अंदर मिट्टी का तेल डल रखा है ऑब्वियसली। तो फिर भाई ये काई बहुत काम आती है मेरे, अभी देखना। तो भाई मैं यहाँ पर आता हूँ कि भाई वो वहाँ बिजी होंगे, दूर हटे होंगे, तो भाई एक बंदा नॉक हो जाता है और ये भाई बंदा कहाँ देखने की कोशिश करता है मेरे को नहीं पता, और ये भाई तुम्हारा भाई सीधा 5 IQ लगा के इन लोगों को मार देता है। तो भाई बताना कि भाई ये 5 IQ वाला क्लच कैसा लगा भाई, बहुत ही दिमाग लगाना पड़ा इसके लिए। तो भाई इनको फटाफट से लूटते हैं, और जो भाई मिट्टी के तेल की बोतल से मरा था उस पर 6x पड़ा था, तो इससे फटाफट 6x लूटते हैं पहले भाई, क्योंकि 4x से बढ़िया मैं इसको प्रिफर करता हूँ चलाना, बिकॉज भाई इट्स माई चॉइस। तो यहाँ पर मेरे को बंदे दिखते हैं और, तो फिर भाई इनके पास भी आ जाते हैं, फटाफट से किल चाहिए होते हैं भाई 21 ही अलाइव में, भाई कितने किल मिलेंगे। तो फिर यहाँ पर मैं अब लगाता हूँ अपना 6x जो मैंने अभी उठाया था, तो फिर भाई एक को नॉक करता हूँ, और दूसरा वाला भाई जिसको ये रिवाइव दे रहा होता है उसको मैं फटाफट से किल करता हूँ और इसको भाई फटाफट से मार देता हूँ। भाई इनकी फाइट चल रही होती है, तो फिर भाई इनकी फाइट जिससे चल रही होती है वो होते हैं आगे स्क्वाड हाउस में। तो मैं सोचता हूँ भाई थोड़ा सा रोटेशन मारता हूँ, बिकॉज उनको मेरे ऑब्वियसली वो आ ही गए होंगे मेरे फायर साउंड्स, तो ऑब्वियसली वो मेरे को देखने की कोशिश करेंगे, तो मैं यहाँ पर थोड़ा रीच के कवर में आने की कोशिश करता हूँ। लेकिन फिर भाई यहाँ पर जो गलत सीन होते हैं ना, अब देखना बस। तो मैं यहाँ पर आया, एक बंदा मेरे को फायर दे रहा है भाई, वो बड़ा पता नहीं कैसे दे रहा फायर, मैं इससे फ्री फायर में ऊपर उठता हूँ। फिर भाई मेरे को सामने एक जहरीला नाक दिखता है जो भाई लेट के भाई स्प्रे वगैरह दे रहे होंगे सामने, भाई टीममेट का ख्याल ही नहीं भाई, ये दोनों नॉक होते हैं और सामने मेरे को एक आता हुआ दिखता है, भाई मेरी गंदी फटती है। तो मैं एक नेड़ कर देता हूँ कि भाई कुछ तो हो ही जाए, मैं शैक के अंदर करने की कोशिश कर रहा था लेकिन भाई फायर का बटन मेरे को धोखा दे जाता है, तो मैं एक शैक के आगे एक शैक के पीछे करता हूँ नेड़ भाई, लेकिन इससे कुछ नहीं होता, और एक बंदा एक और मेरे को शैक के अंदर जाता हुआ दिख जाता है। तो भाई मैंने एक को नॉक किया, अभी इसे पूरा किल करेंगे भाई, ये अंदर नहीं जाना चाहिए। और भाई जैसे ही शैक के पास में पहुँचता हूँ भाई सरप्राइज़, भाई एक बंदा निकला इसको पकड़ने की कोशिश करता, दूसरा बंदा निकलता है भाई, इसको मारते मारते एमओ ख़त्म और भाई मेरा गेम ख़त्म, भाई 3 नॉक कर दिए थे, एक लास्ट बंदा ले गया मेरे को जैसे तैसे करके, भाई पता नहीं क्या सीन है। तो खैर अगर आपको बढ़िया लगा हो ये वॉइस ओवर के साथ ये वीडियो, तो भाई प्लीज़ लाइक करना, और 9 के लिए भाई मैं 9 लाइक्स का टारगेट रखता हूँ। तो चलो भाई जाने का टाइम हो गया, बाय। Till I can't no more. I got the horses in the back.